नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या पीएम मोदी से पूछे बिना महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेल हो गया कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, जो एनसीपी को तोड़ कर आए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कहा जाता है कि पीएम मोदी तो कमिटमेंट करने के बाद खुद की भी नहीं सुनते, और थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कमिटमेंट किया था जरा सुनिए। और मेरी गारंटी है, हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी, जितने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा मोदी उसको सजा दिलाने की गारंटी लेता है। तो सजा के तौर पर क्या अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है? मैं अजीत पवार को भ्रष्टाचारी नहीं कहता, ये कहते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ अब अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस किस तरह धर्मेंद्र के अंदाज में डायलॉग मारा करते थे जरा सुनिए। अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। तो आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। शोले वाला डायलॉग याद आ गया धर्मेंद्र का। लेकिन आज अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अब ये डबल इंजन से ट्रिपल इंजन बन गया है। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। लेकिन दोस्तों, इंजन की संख्या बढ़ाने में मोदी जी के भाषण को क्यों भुला दिया जाता है? मोदी जी कहते कुछ और हैं, किया कुछ और जाता है। ऐसे में मुझे मोदी जी का वो डायलॉग याद आता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आप ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे पब्लिक मीटर। नमस्कार। साथ ही हमारी पत्रकारिता को बल देने के लिए आप थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।